आइए आपको बताते हैं कि इंदौर में यूपीएससी की छात्रा ने सुसाइड करने के बाद रीवा निगम अफसर के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इंदौर में यूपीएससी की तैयारी कर रही 27 साल की छात्रा ने फांसी लगा ली। छात्रा ने मंगलवार को सुसाइड किया। गुरुवार को उसका सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें उसने रीवा के नगर निगम अफसर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस रीवा पहुंची और नगर निगम में पदस्थ अधिकारी पुष्कर नाथ पटेल को गिरफ्तार कर इंदौर ले आई। आपको बताते हैं कि छात्रा ने नोट में क्या लिखा। माफ कर देना भैया, मैं शायद आपको कभी समझ ही नहीं पाई, ना ही आपके सपने को पूरा कर पाई। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने किसी पर इतना भरोसा कर लिया जो शायद उसके लायक ही नहीं था। मुझे आज अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ रहा है। बस एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाई। बस उस व्यक्ति को कभी माफ मत करना जिसका नाम पुष्कर नाथ पटेल है, मुझे माफ कर देना। पढ़ाने के नाम पर शारीरिक मानसिक शोषण किया था। बोलते थे कि तुझसे शादी करूंगा और जब मैं परेशान हो गई तो छोड़ दिया। भंवरकुआं पुलिस ने रीवा टीम भेजकर पुष्कर नाथ पटेल को पकड़ लिया है। गुरुवार रात उसे इंदौर लाया गया है। पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी दर्ज कर लिया है, जबकि रेप को लेकर कार्यवाही नहीं की गई है। छात्रा के पिता की 2013 में मौत हो चुकी है। वे आर्मी में अफसर थे, जबकि बड़ा भाई इलाहाबाद में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है। भाई ने पुलिस को बताया, सोमवार को बहन से उसकी बात हुई थी। उसने 11 जून को दिल्ली जाने की बात कही थी। उसका यहाँ यूपीएससी का पेपर था, मैंने रिजर्वेशन का कहा था। बहन ने 5 जून को भी इंदौर में मेंस का एग्जाम दिया था। करीब 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो यहाँ किराए से रह रही थी। उसने रीवा से ही बीटेक किया था।